काठी रोल्स uh, वो एक क्विक स्नैक है दे कैन बी कंप्लीट मील एंड समटाइम्स जब पार्टी के मूड में होते हैं और कुछ आपको क्विकली खाना होता है काठी रोल काम आता है इनफैक्ट काठी रोल की शुरुआत हुई थी कोलकाता में जहाँ पर काठी यानी कि छड़ियों पे यानी कि स्कीवर्स पे वुडन स्कीवर्स पे कबाब बनते थे उन्हें रोटी में डालकर बाकायदा दिया जाता था और कोलकाता में जो वर्किंग क्लास थी जो बाबू थे और जो ब्रिटिशर्स भी थे वो बड़े मज़े ले लेके खाते थे कि बड़ा सिंपल सा था रोटी ली उस पर थोड़ी चटनी सैलड डाली कबाब डाला काठी से स्कीवर करके निकाल कर फिर सर्व किया हुआ आसान था खाना टेस्टी था पौष्टिक था न्यूट्रिशस था और वो आज भी कायम है वो बात कि काठी रोल इज एप्स्यूटली तो आज हम बनाएंगे पनीर काठी कबाब जिसके अंदर हम बनाएंगे एक ब्रेड उसकी एक फिलिंग उसके अंदर मैं डालूंगा दो तरीके का चीज़ जो मेरा फेवरेट है देखिए काठी कबाब के अंदर ना एक ब्रेड है और एक उसकी फिलिंग है इट्स लाइक ए सैंडविच देखिए काठी कबाब की जो ब्रेड है वो दो तरीके से बन सकती है या तो एक आप प्लेन चपाती बना लीजिए या तो रुमाली बना लीजिए या फिर एक पतला सा पराठा भी बना सकते हैं वैसे कोलकाता में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पराठे पर मिलता है दिस इज एन ईजी थिंग सिंपल आटा गूंदना है मैदे के अंदर हम आटा इसलिए थोड़ा डालते हैं ताकि वो चूही ना हो अगर कंप्लीट आटे की बनाएंगे थोड़ी ड्राई हो सकती है कंप्लीट मैदे की बनाएंगे बहुत चबाना पड़ता है मिक्स ऑफ आटा मैदा वर्क्स अच्छे से इसकी मालिश होगी ताकि इसके अंदर का जो ग्लूटन है वो एक्टिवेट हो जाए इसे अब हम रेस्ट देंगे दस मिनट का उसके बाद इसके पेड़े काटेंगे हल्का सा ऑयल का हाथ इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि ऊपर पपड़ी ना जमे अब चलते हैं फिलिंग की तरफ ये है अनियन इसे इसके मैं थोड़े से चंक्स काट रहा हूँ बड़े बड़े चंग सेम इज विद सम स्लाइस भी कर सकते हैं जूलियन काट सकते हैं आई लाइक इट अ लिल चंकी हम लेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया और इसे दर दरा कर लेंगे यानी कि कूट लेंगे मोटा मोटा दिस दर दरा इसे डालेंगे ऑयल में लाइट सौते गार्लिक को पूरा भूनना नहीं है मतलब कंप्लीटली ब्राउन नहीं करना जस्ट टू एड ए लिटल एक्स्ट्रा फ्लेवर ज़रा सा बटर यू नो गार्लिक और बटर इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड स्पेशली जब आप पनीर बनाते हैं कोई भी पनीर की डिश हल्का सा बटर जस्ट एड दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर टू द एंटायर डिश मसालों को ज़रा सा भूनेंगे जस्ट अ लिटल तो कह दम कैसे अपना रंग छोड़ रहे हैं टर्न अप द हीट फर्स्ट में जाएगी टू मेरी प्यूरिटी सम सॉल्ट अभी से हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो मसाला है और प्यूरी है वो अच्छे से पक जाए मसाला काफी ठीक हो गया है इसमें हम डालेंगे डाइस्टानियन एंड कैप्सिकम अगेन पानी डालते ही ना वो मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा नाइस मॉइस्ट जस्ट लाइक अ थिक करी एक सॉफ्ट की तरह कोटिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी और प्याज और पेपर्स जो हैं उसके अंदर एक कच्चापन होना जरूरी है एक बाइट के लिए ठीका hmm. है थोड़ा बिकॉज आई लाइक इट हरी मिर्च काफ़ी तेज थी और खट्टास है उसके अंदर टमाटर की पेपर्स की फ्रेशनेस है अ वेरी रिफ्रेशिंग टेस्ट ये नीचे आ जाएगा जैसे इसमें पनीर जाएगा बिकॉज पनीर इज ओवरऑल वेरी न्यूट्रल आई एम जस्ट कटिंग इट टेन टू डाइसेस एज यू कैन सी ये स्पेक्स ऑफ ऑयल इसके ऊपर आ गए, विच मींस मसाला इज रेडी एंड दिस फास्ट क्योंकि जो प्यूरी हमने इस्तेमाल कर रही है वो रेडीमेड प्यूरी है विच मींस वो ऑलरेडी पकी हुई है इसमें जाएगा पनीर जरा सी कसूरी मेथी का पाउडर फ्रेश कोरिया ऑलवेज हेल्प एंड जेंटली इसको हम इस तरीके से लिफ्ट करके मिक्स करेंगे याद रहे काठी की जो फिलिंग है दैट नीड्स टू बी मॉइस्ट और वहीं पर अगर मिक्सचर बहुत ड्राई है देन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इज नॉट गुड क्योंकि देन आप खा रहे हो और आपको ड्राई लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सॉफ्ट uh, ड्रिंक या पानी की जरूरत है विच शुड नॉट बी द केस पनीर डालने के बाद वी हैव टू स्टर इट वेरी जेंटली तीन से चार मिनट इसको और पकाना है ताकि पनीर अंदर तक मसाला पी ले मिक्सचर को निकाल लेंगे एक तरफ विल कीप इट इसे रखेंगे एक तरफ जस्ट सो दैट ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए कंप्लीटली ठंडा नहीं करना थोड़ा सा ल्यूक वाम पर हम इसमें काठी में भरेंगे ना गोइंग बैक टू अ डो इसके अब हम पेड़े काटेंगे ना काठी का जो साइज रखना है वो आपके ऊपर है क्योंकि हम ये पराठे की तरह बना रहे हैं तो थोड़ी सी थिक होगी एंड आई लाइक अ लिटिल लार्ज साइज सो इसके हम यू गोल गोल लोई बना लेंगे अब इसको बेलना है इस पे लगाएंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर थोड़ा सा सूखा आटा और इसे इस तरीके से हम लच्छे की तरह फोल्ड कर लेंगे लाइक like दिस उसके बाद यूं हल्के हाथ से इसके हम लच्छे बना लेंगे बनिया सिंपल अब इसको हम रोल करेंगे थोड़ा सा प्रेस करना है और हल्के हाथ से इसे हमें बेल लेना है पतले पराठे बेलने ज्यादा मोटा नहीं पराठा बनाने से पहले चलते हैं कुनाल्स टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ सबसे पहले कि जब आप काठी की ब्रेड बनाते हैं मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा ऑयली ना हो क्योंकि सब्जी या उसकी जो फिलिंग है उसमें भी काफी तेल होता है सो मेक इट विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल काठी की स्टफिंग के साथ आप इनोवेटिव हो सकते हैं आप चाहें तो एक दिन पहले की लेफ्ट ओवर सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काठी कबाब कैन बी मेड विद अ वेजिटेबल इट कैन बी मेड विद अ मीट चीज से भी बन सकता है एक से भी बन सकता है देर आर नो बाउंड्रीज बी एज इनोवेटिव एज यू कैन काठी की जो ब्रेड है वो आप अलग अलग तरीके से फ्लेवर भी कर सकते हैं एंड मेक श्योर जब आप काठी को स्टफ करें बहुत एक्स्ट्रा स्टफिंग ना डालें बिकॉज रोल होने में वो दिक्कत करेगा अगर आप चाहें टूथपिक की मदद से काठी को आप एक जगह रोक सकते हैं ताकि उसकी ब्रेड खुले ना तवा गरम और पर पराठा थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा ऑयल इस तरफ भी अच्छे से लच्छे निकले विच मीन्स परते हैं उसके अंदर जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ड्राई नहीं होगा क्योंकि परतों के बीच में हमने थोड़ा सा मक्खन डाला था पराठा तैयार प्यूरफुल लुकिंग पराठा बढ़िया लच्छे कोज इन दै इसे देंगे ढक ताकि वॉम रहे हम बनाएंगे एक क्विक सैलड ताकि एक, एक एक्स्ट्रा क्रंच मिले और थोड़ा सा टेस्ट जो है उसके अंदर थोड़ा और इजाफा हो सिंपल कचुम्बर सैलड है जरा सा नमक थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नींबू कितने में टॉस्ट टुगेदर हमारा ये एडेड क्रंच इज रेडी ना अब चलते असेंबलिंग की तरफ जहां पर काठी को हम पूरे तरीके से असेंबल करेंगे हमें चाहिए हमारा पराठा वाली साइड आप काठी रोल तैयार है लेकिन अगर काठी रोल का मिक्सर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है उसकी बढ़िया टिक्की बन सकती है पनीर की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट ओवर पनीर काठी का मिक्सचर उसमें हम डालेंगे बॉइल्ड पोटेटो कुरियंटो चॉप्ड सॉल्ट जरा सा गरम मसाला थोड़े से ब्रेड क्रम्स अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे एक टिक्की की शेप देंगे दोबारा फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे पैन के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें अब हम इस टिक्की को फ्राई करेंगे टर्न इट ओवर परफेक्ट और हमारी पनीर टिक्की यूजिंग लेफ्ट ओवर काठी कबाब मिक्सचर डन